कास्ट सेंसस को, जाति जनगणना को एक्सरे कहता हूँ। हर व्यक्ति को वोट देने का, अपने देश को चलाने का अधिकार दिया गया। आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल, हिंदुस्तान का धन किस प्रकार बांटा जा रहा है, कितना। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा। देखिए, राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लगातार निकले हुए हैं और इसी कड़ी में जो है केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हैं। और इस बार जो है जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी मंच से बोलते हैं और तो और जातीय जनगणना का कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के संकल्प में आपका क्या फायदा होगा, पहला कॉन्सेप्ट ये है। और दूसरा, राहुल गांधी की जातीय जनगणना का ये कॉन्सेप्ट आपका भी जीवन बदल सकता है। तो देखिए, राहुल गांधी ने जो है ये कॉन्सेप्ट बताया है जातीय जनगणना करवाने का। पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। कास्ट सेंसस को, जाति जनगणना को एक्सरे कहता हूँ। हर व्यक्ति को वोट देने का, अपने देश को चलाने का अधिकार दिया गया। आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल, हिंदुस्तान का धन किस प्रकार बांटा जा रहा है, कितना धन किसको मिल रहा है। हम कहते हैं, जनरली कहते हैं कि अदानी जी मोनोपोली है, इतना पैसा है, मगर उसको किसी ने क्वांटिफाई नहीं किया। जनरली लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में तकरीबन 50% पिछड़े लोग, तकरीबन 15% दलित, तकरीबन 12% आदिवासी। सवाल यह है, इस देश के धन में से इनको कितना मिलता है। तकरीबन 80% आबादी हिंदुस्तान की पिछड़े, दलित और आदिवासियों में से है। इनमें से देश को चलाने में इनकी कितनी भागीदारी। मैंने सवाल उठाया, नेशनल सरकार में जो आईएएस ऑफिसर्स हैं 90 में से 3 लोग पिछड़े वर्ग के। 35,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए जाता है। कहां से आता है? जीएसटी से आता है, मतलब ओबीसी के जेब से, गरीब जनरल कास्ट के जेब से, दलित और आदिवासी के जेब से। कहां जाता है 35,000 करोड़ रुपए? नरेंद्र मोदी। देखिए, राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और इस बार राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर जोर डाला है। और किस तरीके से जातीय जनगणना का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे जातीय जनगणना आपके जीवन पर इफेक्ट करती है, ये राहुल गांधी बताते हुए नजर आ रहे हैं और हमने आपको तमाम उनकी बाइट भी सुनवाई। कास्ट सेंसस को, जाति जनगणना को एक्सरे कहता हूँ। हर व्यक्ति को वोट देने का, अपने देश को चलाने का अधिकार दिया गया। आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल, हिंदुस्तान का धन किस प्रकार बांटा जा रहा है, कितना धन किसको मिल रहा है। हम कहते हैं, जनरली कहते हैं कि अदानी जी मोनोपोली है, इतना पैसा है, मगर उसको किसी ने क्वांटिफाई नहीं किया। जनरली लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में तकरीबन 50% पिछड़े लोग, तकरीबन 15% दलित, तकरीबन 12% आदिवासी। सवाल यह है, इस देश के धन में से इनको कितना मिलता है। तकरीबन 80% आबादी हिंदुस्तान की पिछड़े, दलित और आदिवासियों में से है। इनमें से देश को चलाने में इनकी कितनी भागीदारी। मैंने सवाल उठाया, नेशनल सरकार में जो आईएएस ऑफिसर्स हैं 90 में से 3 लोग पिछड़े वर्ग के। 35,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए जाता है। कहां से आता है? जीएसटी से आता है, मतलब ओबीसी के जेब से, गरीब जनरल कास्ट के जेब से, दलित और आदिवासी के जेब से। कहां जाता है 35,000 करोड़ रुपए? नरेंद्र मोदी।